अब हम इस हफ्ते के सबसे बड़े विवाद का आपके लिए विश्लेषण करेंगे और वो है रेलवे में भर्ती को लेकर छात्रों की नाराजगी और उनका विरोध प्रदर्शन। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने, युवाओं ने और छात्रों ने हमें लिखा कि वो इस मुद्दे पर हमारा विश्लेषण देखना चाहते हैं। उन्हें इस बात का इंतजार रहेगा कि हम इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं। छात्रों का ये गुस्सा विपक्षी दलों के लिए भी एक नया टूल किट बन गया है और अब इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है और वो अपनी राजनीति के लिए इन युवाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। और इसी फॉर्मूले के तहत आज बिहार में बंद बुलाया गया था। अब आप सोचिए छात्रों का बंद से क्या लेना देना। इसलिए आज हम रेलवे की नौकरियों और छात्रों की महत्वाकांक्षाओं के बीच बढ़ रही इसी दूरी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरे विवाद की जड़ तक लेकर चलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि हमारे देश के युवाओं ने और छात्रों ने भी ये समझने की कोशिश नहीं की होगी कि असल में हुआ क्या है, स्थिति क्या है और विवाद क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये पूरा विवाद है क्या। वर्ष 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा कुल मिलाकर 35,277 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई थी। तो आप देख लीजिए जो टोटल वैकेंसी हैं वो है 35,277 और ये सभी नौकरियां नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में आती हैं। यानी ये वो नौकरियां हैं जिनमें तकनीकी रूप से योग्य होना जरूरी नहीं है, यानी टेक्निकल स्किल्स की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये टेक्निकल नहीं है। और इसमें ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स दोनों पोस्ट शामिल हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। यानी लगभग 10,500 नौकरियों के लिए 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं और लगभग 25,000 पदों के लिए न्यूनतम योग्यता है ग्रेजुएशन। और इन्हें लेवल 2 से लेकर लेवल 6 में बांटा गया था। सरल शब्दों में कहें तो जूनियर क्लर्क, ट्रेन असिस्टेंट, गार्ड, सीनियर टाइमकीपर और स्टेशन मास्टर तक के पदों पर ये नौकरियां निकाली गई थी। और इन नौकरियों में अधिकतम वेतन 35,000 रुपए महीना होता है अधिकतम, और बाकी का इससे कम होगा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस पद के लिए कितना वेतन इसमें मिलता है। और अब यह पूरा विवाद तीन बातों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला, इन 35,000 नौकरियों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड को 1,25,00,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। यानी नौकरियां हैं 35,000 और आवेदन है 1,25,00,000। यानी इस हिसाब से हर एक नौकरी पर 355 छात्रों के आवेदन रेलवे भर्ती बोर्ड को मिले। एक नौकरी के लिए 355 छात्र लड़ाई करेंगे कर रहे हैं। अब इन नौकरियों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें यह कहा गया कि जिन पदों पर नौकरियां निकाली गई हैं उनसे 20 गुना ज्यादा छात्रों को परीक्षा में पास किया जाएगा ताकि दूसरे चरण की परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मौका मिल सके। यानी जो लेवल 1 की परीक्षा है उसमें ज्यादा से ज्यादा छात्रों को पास किया जाएगा। और यहां तक कोई विवाद नहीं था। रेलवे ने इस वादे को पूरा करते हुए 14 और 15 जनवरी को पहले चरण का जो रिजल्ट घोषित किया उसमें जितनी नौकरियां हैं उससे 20 गुना ज्यादा छात्र पास कर दिए गए। लेकिन विवाद इसकी प्रक्रिया को लेकर शुरू हुआ। दरअसल हुआ यह कि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने एक से ज्यादा नौकरी के लिए आवेदन दिया था। यानी एक छात्र कई पदों के लिए आवेदन दे रहा है। और जब पहले चरण की परीक्षा हुई तो इनमें से बहुत सारे छात्रों ने अलग अलग नौकरियों के लिए परीक्षा पास कर ली। लेकिन रेलवे ने ऐसे छात्रों को एक अभ्यर्थी नहीं माना। सरल शब्दों में कहें तो जैसे कोई छात्र 4 पदों के लिए क्वालिफाई कर चुका है तो 4 छात्र पास हुए माने गए। यानी छात्र तो एक ही है जिसने 4 पदों के लिए एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक 4 छात्र पास हुए हैं और इसी वजह से छात्रों में परीक्षा के नतीजों को लेकर नाराजगी बढ़ गई। छात्रों का आरोप है कि इस प्रक्रिया की वजह से संख्या में तो ज्यादा छात्र पास हुए लेकिन वास्तविकता में ये छात्र 10% ही हैं। यानी भारतीय रेल अगर 100 छात्रों को इसमें पास बता रहा है तो असलियत में वो 100 छात्र नहीं बल्कि 10 ही छात्र हैं। ये वो 10 छात्र हैं जिन्होंने अलग अलग पदों के लिए एग्जाम दिया और सारे क्लियर कर लिए, क्योंकि इनमें एक छात्र को अलग अलग पदों पर अलग अलग अभ्यर्थी के रूप में जोड़ा गया है। नाराजगी की दूसरी वजह परीक्षा में हुई देरी है, यानी विलंब है। इन नौकरियों के लिए 2019 में आवेदन मांगे गए थे और परीक्षा भी उसी वर्ष सितंबर महीने में होनी थी, लेकिन इसे कुछ कारणों से टाल दिया गया और बाद में दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच देश भर में इस भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा हुई। उसी परीक्षा के नतीजे 14 जनवरी 2022 को घोषित हुए हैं, यानी इसी महीने। और अब इसके दूसरे चरण की परीक्षा
15 फरवरी को होनी थी, लेकिन छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण अब इस परीक्षा को भी टाल दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड का कहना है कि परीक्षा में देरी की वजह है इन नौकरियों के लिए करोड़ों की संख्या में आए आवेदन। एक और बात, रेलवे बोर्ड ने 24 जनवरी को कहा था कि ग्रुप सी की लेवल 1 की परीक्षा 2 चरणों में होगी, जबकि छात्रों का कहना है कि सरकार दूसरी परीक्षा उन पर थोप रही है, क्योंकि नौकरियां निकालते समय इसका जिक्र पहले से किया नहीं गया था। यानी छात्र सोच रहे थे कि एक ही परीक्षा पास करनी होगी, अब सरकार कह रही है कि 2 परीक्षाएं पास करो। जबकि भारतीय रेल का कहना है कि छात्रों ने नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें इस बात का साफ साफ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। और नाराजगी की तीसरी वजह यह है कि ग्रेजुएट छात्रों ने भी जूनियर क्लर्क और टाइम कीपर की नौकरी के लिए आवेदन कर दिया है, जिसकी वजह से 12वीं पास छात्रों को लगता है कि इससे उन्हें नौकरी मिलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। यानी जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं क्लास है, पास होना चाहिए, उसमें जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी उसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। और अब ये छात्र चाहते हैं कि केंद्र सरकार ग्रेजुएट छात्रों को ऐसा करने से रोके और अलग अलग श्रेणी इसके लिए बना दी जाए। कुल मिलाकर कहें तो इस समस्या की जड़ में ये भर्ती नहीं है, बल्कि इन नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया है, और एक एक नौकरी के लिए लाइन में लगकर खड़े हुए सैकड़ों छात्र हैं। जब एक नौकरी के लिए 350 छात्र लड़ेंगे तो फिर यही होगा, और इसी वजह से हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, और इस दौरान प्रयागराज में उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और पटना में भी उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हमें लगता है पहली बात जो आज हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि छात्रों पर ये बलपूर्वक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। ये छात्र हैं, ये हमारे देश का भविष्य हैं, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये किसी का कुछ लूट कर भागे नहीं, किसी का कुछ छीन कर भागे नहीं, अपना हक मांग रहे हैं, और इनसे आराम से प्यार से बात की जानी चाहिए थी, लाठी से नहीं। क्योंकि ये छात्र राजनीति करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे थे, ये तो सरकार से नौकरी मांग रहे थे। हालांकि गया में जिस तरह कुछ छात्रों ने ट्रेनों में आग लगाई वो भी सही नहीं माना जा सकता, और यहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि इन छात्रों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर आप उसी भारतीय रेल की ट्रेन्स में आग लगा रहे हैं और उसी में आपको नौकरी भी करनी है तो ये कैसे चलेगा? कि तो हम ऐसे छात्रों से कहना चाहते हैं कि इस तरह की हिंसा से बचिए। लेकिन इन छात्रों की बातें और इनकी आवाज आज पूरे देश को सबसे पहले सुननी चाहिए, और फिर हम आगे की बात आपको बताएंगे। हम छात्रों के साथ धोखा हुआ है, 20 लाख रिजल्ट बोल करके 3 लाख ही रिजल्ट निकाला गया है, एक ही बच्चों पर 4-4, 5-5 सीट दे दिया गया। हम छात्रों के साथ ना इंसाफी हुई है। कल भी प्रोटेस्ट किए थे, प्रोटेस्ट के बाद हम लोगों पे लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले, रात 10 बजे हम लोगों ने रिलीज किया, 500 लोगों पे अभी भी केस है, हम लोग केस मुकदमा से डरने वाले नहीं है। सरकार जो इस तरह का नीति लाती है इसका जवाब कौन देगा? एक महीना पहले बताइए आप लोग सर, एक महीना पहले कहाँ का ये नियम है कि आप बोल दीजिएगा आपका 2 एग्जाम होगा, ये कहीं का नियम है? वैकेंसी लाइएगा आप 2018 में, फॉर्म भरवाए 500 रुपया लिए, उसका सूद ब्याज कितना हो जाएगा उससे हम लोग नहीं डरते, और 500 रुपया ले लीजिए उससे हम लोग नहीं डरते, लेकिन हम लोग का जो मांग है, हम लोग कुछ चाहिए, सही से परीक्षा लीजिए, सही से सब चीज कीजिए, वो कीजिए, लेकिन आप रिजल्ट में धांधली करते हैं, परीक्षा लेट लेते हैं। अगर 2 को एग्जाम लेना ही था तो सरकार को उसी टाइम में या रेलवे बोर्ड को उसी टाइम में बता देना था कि हम डबल एग्जाम इसमें लेंगे, उस टाइम से बच्चे अपना तैयारी में रहते। अभी ये 20 दिन पहले और 25 दिन पहले ये अब बताया जा रहा है कि नहीं आपका CBT 2 भी लेंगे, तो ये कतई अथी नहीं है। रिजल्ट आया सर, उसमें बोला गया था 20 टाइम कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, तो क्या कहे सर 20 टाइम्स लिए हैं, दिख रहा है कि 20 टाइम्स हर चीज का मल्टीपल 20 टाइम्स है, बट वो है कि सर नंबर रॉ नंबर है ना कि वो कैंडिडेट है, यूनिक कैंडिडेट सिर्फ 3.5 लाख के आसपास ही हैं। जैसे एक लड़का कोई ग्रेजुएशन का है उसका लेवल 4 में भी है, लेवल 5 में भी है, लेवल 2 में भी है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट के भी एप्लीकेबल है और ग्रेजुएशन के लिए एप्लीकेबल है। हमारी मांग है कि CBT 2 जो एग्जाम दिया है उसको वापस लेना होगा, और NTPC का जो रिजल्ट दिया है उसमें भारी पैमाने पे जांच की हुई है उसको रद्द करते हुए पुनः एग्जाम लेना होगा। असल में हमारे देश की समस्या ये है कि हमारे जो छात्र हैं वो गुस्से में हैं, नाराज हैं, और युवा हैं, गर्म खून है, और ऐसे में बहुत बार गलतियां भी हो जाती हैं, बहुत बार हिंसा भी हो जाती है, तोड़फोड़ भी हो जाती है। लेकिन अभी तक अच्छी बात ये थी कि इन छात्रों का कोई नेता नहीं था, अब इन छात्रों में से नेता निकल आए हैं, और जैसे ही ऐसे आंदोलनों में नेता पैदा हो जाते हैं वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियां इन्हें हाईजेक कर लेती हैं, और अब इस देश के बड़े बड़े नेता इन छात्रों को ये कहकर बहका रहे हैं कि आप भी वही करिए जो कि किसानों ने किया था।
अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह किसान हिंसा पर उतर आए थे, जिस तरह किसानों ने 2 वर्षों तक भारत की जनता को परेशान करके रखा, उन्होंने हिंसा की, तोड़फोड़ की, सड़कों को रोक कर रखा, उसी तरह की से आप भी कीजिए और एक ना एक दिन ये सरकार जैसे किसानों के सामने झुकी है वैसे ही आपके सामने भी झुक जाएगी। ये कहकर इन छात्रों को भड़काया जा रहा है। अब आप सोचिए, इन छात्रों को आप देखिए, इन युवाओं को देखिए, इन्हें आप क्या मानेंगे? इन्हें रेलवे में नौकरी करनी है लेकिन ये कर क्या रहे हैं ज़रा देखिए। ये साहब ये सारी तोड़फोड़ करके देश को ये बता रहे हैं कि इन्हें रेलवे में नौकरी करनी है, और अगर इन्हें रेलवे में नौकरी मिल भी गई तो ये रेलवे में जाकर क्या करेंगे वो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। किस बेसिस पर इन्हें रेलवे में नौकरी चाहिए आप खुद ही सोचिए। इस मामले में अब रेलवे ने भी 5 सदस्यों वाली एक कमेटी बना दी है जो NTPC और Level 1 की परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों से बात करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। हालांकि भारतीय रेल ने कहा है कि इस परीक्षा में पास हुए छात्रों की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा Level 1 की परीक्षा में पहले चरण के नतीजों के बाद दूसरे चरण की परीक्षा पर भी यही कमेटी अपने सुझाव देगी कि आगे क्या करना है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक 15 फरवरी 2022 को होने वाली दूसरे चरण की परीक्षा और फिर 23 फरवरी को होने वाली परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब ये परीक्षाएं नहीं होंगी, इन्हें टाल दिया गया है। लेकिन अब यहां बड़ा सवाल यह है, भारतीय रेल का मकसद क्या है? भारतीय रेल क्या है? क्या भारतीय रेल एक सर्विस प्रोवाइडर है या ये एक जॉब प्रोवाइडर है? भारतीय रेल का मकसद क्या होना चाहिए? यह यातायात के लिए बनी है कि इस देश के करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, या फिर यह नौकरी देने का एक प्लेटफॉर्म है? भारतीय रेल में इस समय 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, 12 लाख, और इस लिहाज से यह दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है और भारत की पहली सबसे बड़ी रोजगार देने वाली कंपनी है जो 12 लाख लोगों को रोजगार देती है। यानी एक तरीके से हमने भारतीय रेल को एक रोजगार देने वाली विशाल फैक्ट्री के रूप में तब्दील कर दिया है। इसका जो मुख्य मकसद है वो रेल चलाना नहीं बल्कि रोजगार देना बन गया है, जबकि भारतीय रेल का काम नौकरियां देना नहीं बल्कि यात्रियों को यातायात की और परिवहन की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना है, और इसका मकसद देश को मजबूत रेल कनेक्टिविटी देना है ताकि व्यापार के लिए भी ये उपयोगी साबित हो। लेकिन अभी ये सिर्फ नौकरी देने का एक साधन बनकर रह गई है, ये एक जॉब प्रोवाइडर बन गई है। अक्सर हमारे देश के लोग देरी से चलने वाली ट्रेनों की शिकायत करते हैं, ट्रेन में गंदगी को लेकर नाराजगी जताते हैं और कहते हैं भारतीय रेल का तो कुछ नहीं हो सकता, बड़ी बेकार सर्विस देते हैं, बड़ा बुरा हाल है भारतीय रेल का। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम भारतीय रेल को केवल रोजगार देने का एक माध्यम मान लेंगे तो वो अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा देगी भी कैसे? भारतीय रेल में 12 लाख कर्मचारी तब काम करते हैं जब रेल नेटवर्क के मामले में अमेरिका, चीन और रशिया जैसे देश हमसे आगे हैं, उनके जो रेल नेटवर्क हैं वो हमसे बड़े हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा 2.5 लाख किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क अमेरिका के पास है, इसके बाद चीन में 1 लाख किलोमीटर, रशिया में 85,500 किलोमीटर और भारत में 67,956 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है। लेकिन इसके बावजूद इन देशों के रेलवे विभाग में भारत से कहीं ज्यादा कम कर्मचारी काम करते हैं। अमेरिका में 1,43,000, चीन में 2,88,000, रशिया में 7 लाख और भारत में 12 लाख कर्मचारी रेल विभाग में काम करते हैं। सोचिए, यानी कम कर्मचारी होने पर भी बाकी के देशों के पास भारत से कहीं ज्यादा आधुनिक और ज्यादा विकसित और ज्यादा बड़ा रेल नेटवर्क है। इन देशों में हाई स्पीड रेल से लेकर बुलेट ट्रेन्स तक चलती हैं जिनकी न्यूनतम स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि भारत को अब तक उसकी पहली बुलेट ट्रेन भी नहीं मिली है और इस रफ्तार से ट्रेन चलाने का सपना तो बहुत दूर है। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ठीक इसी तरह हमारे देश में भारतीय रेल को भी नौकरियां देने वाली एक मुर्गी बना दिया गया है, और इसी वजह से जब भी रेलवे में नई भर्तियां निकाली जाती हैं तो करोड़ों आवेदन आते हैं और बाद में हर बार इसी तरह का विवाद होता है। अब एक और उदाहरण देखिए, 2018 में भारतीय रेल ने अलग अलग पदों पर 90,000 नौकरियां निकाली थी जिनके लिए 2,30,00,000 लोगों ने तब आवेदन दिया था, यानी तब एक नौकरी के लिए 255 छात्र लाइन में लगे थे, और आज भारतीय रेल की एक नौकरी के लिए ये 255 से बढ़कर
355 छात्र लाइन लगाकर खड़े हैं। एक नौकरी के लिए 355 छात्रों की लाइन है, यानी पिछले चार वर्षों में नौकरियां तो बढ़ी नहीं, उतनी ही हैं, लेकिन जितनी नौकरियां पहले से हैं उनमें हर एक पर 100 छात्रों की संख्या बढ़ गई है। तो सवाल यह है, इतने सारे लोगों को भारतीय रेल में नौकरी कैसे तो मिलेगी और इन्हें भारतीय रेल में ही नौकरी क्यों चाहिए? इस सवाल का जवाब बहुत दिलचस्प है और शायद हमारे जो युवा साथी हैं, जो छात्र हैं, उन्हें भी नहीं पता होगा इसका जवाब। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.